तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप एकदम से सोच रहे होंगे कि एकदम से कंटेंट चेंज कैसे हो गया। तो आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन और प्रोडक्टिव की वीडियो लेके आया हूँ। नया कंटेंट है मेरे चैनल पे और आप बैकग्राउंड देख के सोच रहे होंगे कि एकदम से ये सेटअप कैसे हो गया। तो ये मेरा पर्सनल रूम है जो मैंने अपने नए घर में बनवाया था, जिससे मैं आगे कॉन्टेंट बनाऊंगा। उस पर्पज से ही मैंने बनवाया था ये रूम और आगे बहुत सारे सरप्राइजेज आप लोगों के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये मेरे चैनल का नाम है। जूम करके देख लेना वीडियो पोस्ट करके। और अब ये सब चीज़ों को साइड रखते हैं और आज की वीडियो पर बात करते हैं। तो आज हम लोग चीप वर्सेस एक्सपेंसिव पे बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो फूड कैटेगरी लेने वाले हैं वो होगी बर्गर। तो इस कंपैरिजन वीडियो में हम लोग दो ब्रांड्स लेने वाले हैं और जो उनकी कैटेगरी होने वाली है वो होने वाली है बर्गर फूड आइटम्स में। और जो दो ब्रांड्स होंगे उनमें से एक होगी झांसी पेटेंट ब्रांड, जो झांसी खुद की सेटअप हुई ब्रांड है, और एक होगी जो ऑल ओवर इंडिया चल रही है ब्रांड। तो जो हम लोगों की पहली ब्रांड होगी वो होगी कॉफी बाइट, जो दो लोगों ने बनाई थी, वो दोस्त थे, वो उसके ओनर है। और जो दूसरी ब्रांड है हम लोगों की वो है बर्गर सिंह, उसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत नामी ब्रांड है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्डरिंग की, ऑर्डरिंग प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगता है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, अगर आपने कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करी या ऑफलाइन लेने गए और उसमें एक घंटा लग रहा है तो आपका मन भी खराब हो जाता है कि यार अब खाना ही नहीं है रहने, है ना। तो क्या हुआ कि जो कॉफी बाइट है ये जोमेटो स्विगी पे है ना, और बारिश हो रही थी तो इसका दूसरा आउटलेट है, कॉफी बाइट का दूसरा आउटलेट है, वहाँ से डिलीवरी पॉसिबल नहीं हुई थी जोमेटो पे, और स्विगी पे कहीं भी पॉसिबल नहीं हुई थी बारिश के कारण। और जो बर्गर सिंह है इसका ऑर्डर होना था जोमेटो से, तो मैंने इसको जोमेटो से ऑर्डर कर दिया था। मैंने सुबह से ही सेव करके रखा था पूरा कि मुझे कौन सा वाला बर्गर खाना है, और मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेजिटेरियन ही बर्गर होने वाले हैं। तो जोमेटो से मैंने ऑर्डर किया ये वाला, जिसका प्रोसेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसा क्या प्रोसेस था, कितना टाइम लगा, कितने टाइम में पहुँचा मुझ तक, मैं आपको बताऊँगा वीडियो में। और जो कॉफी बाइट का था ये मैंने ऑफलाइन जाके लिया स्टोर से, जो इनका आउटलेट है वहाँ से। तो उसका भी आप देख लेना कि मैं कैसे आउटलेट पे गया, वहाँ पर जाकर ऑर्डर किया। लेकिन मैं बस एक बात कहना चाहूँगा आपसे, जब दोनों बर्गर्स आए ना मेरे पास कॉफी बाइट के, मैं आउटलेट पे गया, वहाँ जाके ऑर्डर किया, मैंने पूरा प्रोसेस हुआ, ऑर्डर का पेमेंट करी और मैं बर्गर लेके घर आ गया, उसके 20 मिनट बाद आया है। मतलब 30 मिनट तो प्रिपेयरिंग टाइम था ही जो जोमेटो पे शो हो रहा था, और उसके भी 20 मिनट और, तो टोटल 50 मिनट बाद आया बर्गर से तो बर्गर मेरे हाथ में। वो तो मुझे वीडियो बनानी थी, वरना मैं मतलब मैं वैसे ही कैंसिल कर देता, क्योंकि आधे घंटे से आधे घंटे वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, और आपने 50 मिनट से लिए, और जबकि मेन रोड पे ही है मेरा घर, तो इतना कोई वो भी नहीं था कि आपको घर ढूंढना पड़ रहा है जैसा, है ना। तो अगर मैं डिलीवरी और डिलीवरी टाइम और प्रॉपर कोल्ड फूड की बात करूँ तो मैं कॉफ़ी बाइट को देना चाहूँगा इसमें। ठीक है ऑनलाइन डिलीवरी नहीं थी, लेकिन मैं ऑफलाइन आउटलेट से जाकर ले आया और उसके भी 20 मिनट बाद आ रही थी, जबकि मैंने ये पहले ही ऑर्डर कर दिया था 20 मिनट पहले कॉफी बाइट से। तो चलिए अब मैं आपको पैकेजिंग दिखाता हूँ दोनों बर्गर्स की। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा दोनों की पैकेजिंग से। तो ऐसे कुछ पैकेजेस आए हैं दोनों के। सबसे पहले बर्गर सिंह की बात कर लेते हैं, तो ये इनका सॉसेज आया है, ये देखिए बहुत अच्छी स्टाइल में आया है। मतलब पैकेजिंग में नंबर तो देने पड़ेंगे भाई इनको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सुंदर पैकेजिंग है। और ये अभी सिर्फ मैं सॉस की बात कर रहा हूँ सिर्फ, अब आइए मेन पैकेजिंग इस टाइप का है। पहले इसका कुछ बिल निकाल देते हैं, साइड रख देते हैं। अब आते हैं कॉफी बाइट की पैकेजिंग, है ना। रेट में आपको बाद में बताऊंगा, पहले कंपेयर करते हैं। तो ये कॉफी बाइट की पैकेजिंग बॉक्स में आती है, बहुत अच्छी पैकेजिंग है, पूरा इनकी ओन ब्रांडिंग है, खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, सब कुछ इनका खुद का है। और ये रहे दोनों के बॉक्सेस, ठीक है। अब आती है बात प्राइस, है ना, जो आपको शॉकिंग लगेगी बहुत ज़्यादा। सबसे पहले आप इसका प्राइस देख लीजिए, इसमें मेंशन नहीं है क्योंकि मैंने ऑनलाइन डिलीवरी करी थी, लेकिन जो इसका प्राइस है बर्गर सिंह का ये 172 रुपीज़ इसका प्राइस है। और जो कॉफी बाइट का बर्गर है ये वाला चीज बर्गर है, इसकी प्राइस 60 रुपीज़। तो आप कंपेयर कर लीजिए, है ना। ये तो सिर्फ बाहर की आउटर पैकेजिंग की बात करूँ, अब चलते हैं हम लोग अंदर।
दोनों बर्गर को साइड बाय साइड रखते हैं। क्या कर रहे हैं चलते हैं। तो इसमें जो सॉसेस आते हैं वो ये आते हैं बीबा के सॉसेस कॉफी बाइक में, और इसमें जो सॉस आता है वो आता है बर्गर सिंधी होम ब्रांडिंग है। और इसके साथ मैं इसको सॉस बोल रहा था क्लीनिंग जेल, सॉरी क्लीनिंग जेल मैंने पढ़ा नहीं था। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है भाई, हैंड सैनिटाइजर दे रहे हैं लोगों ने, बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं सबसे पहले तो टेक्सचर क्या है, सॉफ्ट है हार्ड है क्रिस्पी है, इस पर बात करते हैं। तो ये है दोनों बर्गर्स। सबसे पहले मैं दोनों बर्गर्स का नाम बताता हूँ। ये है कॉफी बाइट का चीज बर्गर, नॉर्मल सा नाम है। और जो ये वाला बर्गर है ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बर्गर, ये है बर्गर सिंगा। इसकी प्राइस है 169 रुपीज और इसके 72 रुपीज। तो आप कंपेरिजन कर लीजिए, ये दोनों की लुक है पूरी। फिलिंग की बात करते हैं सबसे पहले, ये कॉफी बाइट का बर्गर है, चीज है प्रॉपर बन है, क्रिस्पी है, टच करने भी पता चल रहा है और मेयोनीज है और वेजिटेबल्स भी है नीचे। अब जो हम लोग का बर्गर सिंगल बर्गर है प्रॉपर मेयोनीज है, वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा है और इसकी डिग्री इससे ज्यादा क्रिस्पी है टच करने। अब खा के बताऊंगा तो और ज्यादा पता चलेगा। अब बारी है टेस्ट करने की, है ना। प्राइस तो मैंने बता दिया, ये 60 है और ये 172 है, बहुत ज्यादा अंतर है, 100 रुपीज का अंतर है ऑलमोस्ट। तो टेस्ट करके बताता हूँ आपको, अच्छा ले चुको कर लिए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा टेस्ट के बारे में बताता हूँ। जो बर्गर सिंह का बर्गर है ना, मतलब ऐसे टेस्ट के बर्गर हमने बहुत खाए हुए, बस इन्होंने नाम चेंज कर दिया है, कुछ इतनी ज्यादा स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन इसकी जो फिलिंग की क्वालिटी है वो अच्छी है प्राइस के हिसाब से बता। और जो इसकी टिक्की में जो क्रंचीनेस है वो कॉफी वाइट के बर्गर से बहुत ज्यादा है, लेकिन जब इसे मैं खा रहा हूँ ना तो ड्राई ड्राई लग रहा है बहुत ज़्यादा, वो जो जूसी फ्लेवर होता है ना वो नहीं आ रहा है। मतलब ये जो बर्गर है ना ये सेम मैं कॉफी वाइट में दिलवा दूंगा आपको, 50 रुपीज का आता है, नॉन चीजी बर्गर होता है वही वाला है। और अब आते हैं कॉफी वाइट के बर्गर, है ना। तो कॉफी वाइट का क्या है कि देखो मैं आपको बताऊँ इसका टेस्ट बताता हूँ। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जूसी बर्गर यही लगता है, मैंने बहुत बार ट्राई की है, मैं पहली बार ट्राई नहीं कर रहा हूँ, बर्गर बहुत ज़्यादा जूसी है और सारे फ्लेवर्स अच्छे से टेस्ट आता है हर फ्लेवर का टन में। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फ्लेवर खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम परफेक्ट फ्लेवरिंग होती है इनके बर्गर में, बहुत नॉमिनल से प्रोसेस होता है। और चार्जेस मतलब मैं आपको सच बताऊँ, अगर इस वाले बर्गर का चार्ज 100 रुपीज़ या 120 रुपीज़ होता ना तो मैं यही प्रीफर करता इसके ऊपर, क्योंकि मार्केट टेस्टी है ना। आप चाहे 500 रुपये का बर्गर ऑर्डर करो चाहे 60 रुपीज़ का, जो आपको टेस्टी करेगा अगली बार रिपीटिंग कस्टमर्स की बात होती है ना, जब आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा तो आप रिपीटिंग कस्टमर बनोगे ही नहीं किसी भी ब्रांड के, सिंपल सी बात है ना। अरे यार इसका कॉल आ गया था, मैंने एयरप्लेन मोड पे डालना भूल गया था फोन को, तो बीच में कट लगाना पड़ा वीडियो पे। तो हाँ मैं कहाँ पर था कि हाँ, कॉफी वाइट इज द विनर ऑफ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ चीप वर्सेस एक्सपेंसिव फूड आइटम्स, और बर्गर से हम लोग का रनर आउट रह गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, प्राइस थोड़ा ज़्यादा है इस बर्गर का। मैं आपको बताऊँ तो जेन्युइनली बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, 172 रुपीज़ है ना। वो भी मैंने कूपन लगाया था, आपने देख ही लिया होगा, मैंने ऑर्डर किया था, वरना तो ये था 238 रुपीज़ का अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, और नॉर्मली 169 रुपीज़ का, तो मुझे कूपन मिल गया तो मुझे मिल गया, वरना तो ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। और अब बात कर लेते हैं कि
पैकेजिंग वगैरह, अगर हर चीज को हम लोग मद्देनजर रखते हुए बात करें तो सबसे पहले तो ये बॉक्स था जो कॉफी वाइट का था, और ये जो पैकेट वाली पैकेजिंग थी ये बर्गर से थी। तो पैकेजिंग में तो मैं इसको विनर बोलूंगा भाई, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बॉक्स दिया है, प्रॉपर ब्रांडिंग है अपनी कंपनी की, तो मैं इसी को विनर उसमें दूंगा। तो प्लस वन इस तरफ हो गया कॉफी वाइट की। बात आई टेक्स्चर वगैरह की, तो उसमें मैं बर्गर से विनर बोलूंगा। इसका जो बन है वो इससे ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़्यादा कुक्ड है, बहुत अच्छा है, और जिसकी पैटी है इससे ज़्यादा क्रंची पैटी मैंने कभी नहीं खाई, मैंने मैकडोनल्ड्स में भी नहीं खाई, तो उसमें तो उसको फुल मार्क्स मिलते हैं। बाकी फिलिंग वगैरह में भी फिलिंग दोनों में ही मतलब बहुत ही, अब इसकी इसका नाम है ना यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसमें हर मतलब उन्होंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेवर दिए जाए इसमें, लेकिन जब पहला बाइट लिया ना मैंने तो मुझे वो फ्लेवर आया ही, और ज़्यादा जूसीनेस इस वाले बर्गर में, सारे फ्लेवर एकदम परफेक्ट है भाई, 60 rupees का है। तो भाई कॉफ़ी बाइट होता है ना, आप लोग भी एक बाइट लीजिए, और जो नाश में लोग रहते हैं वो जरूर कॉफ़ी बाइट के बर्गर को ट्राई करें। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ये मेरा चैनल है हमें झांसी वाले, ऐसे बहुत अच्छा कंटेंट आता रहेगा इस चैनल पे। मैं बहुत चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ मैंने, और मेहनत में अपना 1000% दूंगा, बस आप लोग उससे एक विनती है कि शेयर करना मेरी वीडियोज़ को, है ना, सारे बर्गर लवर्स के साथ, सारे झांसी वासियों के साथ, और जितने भी आप लोग जान पहचान के लोग हैं जो ब्लॉग्स देखते हैं उनको चीप और एक्सपेंसिव कंटेंट पसंद है, जो खाने के बहुत शौकीन है। और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस।